जरूर थे पर ट्रीटमेंट के लिए नहीं, लेकिन वो ची के बारे में जानकारी चाहते थे। कौन ची? कौन नहीं, क्या? दरअसल चाइनीज में एनर्जी को ची कहते हैं। लेकिन कुणाल जी ये सब जानने क्यों आए थे? दरअसल कुणाल जी एक्यूपंक्चर के बारे में नहीं, दिमाग के बारे में जानना चाहते थे। दिमाग के बारे में? दिमाग नहीं, दिमाग। दिमाग? वो आजकल एक वर्ड बहुत ज्यादा बोलते थे, दिमाग। सविता जी कह रही थी कि कुणाल जी भी कुछ दिमाग दिमाग कह रहे थे, तो कहीं वो दिमाग तो नहीं कह रहे थे? ये दिमाग होता क्या है? प्राचीन मार्शल आर्ट में सिखाया जाता था कि हमारी बॉडी में हार्ट, ब्रेन, लिवर, सभी के स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, एक्यूपंक्चर के अलग, दिमाग के अलग। एक्यूपंक्चर में पॉइंट पर प्रेशर डालने से बीमारी को ठीक किया जाता है, जबकि दिमाग में पॉइंट पर प्रेशर डालने से बीमार किया जाता है या जान से मारा जाता है। दिमाग को टच ऑफ डेथ भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रूस ली की मौत भी इसी से हुई थी। ब्रूस ली? आपको आता है ये दिमाग? नहीं, पर मैं एक दिमाग एक्सपर्ट को जानता हूँ, शाओलिन कुंग फू मास्टर उत्कर्ष। एक्सक्यूज मी, आप उत्कर्ष हैं? जी कहिए। जी हम CID से, कुछ बात करनी है आपसे। आप कुणाल जी को जानते हैं? कुणाल जी? क्राइम जर्नलिस्ट, अभी कोमा में है वो। कोमा में? तो कैसे? हार्ट स्टॉपेज, ब्रेन को ब्लड फ्लो नहीं हो रहा था ठीक से। ओ माय गॉड, इसका मतलब कुणाल जी सही कह रहे थे। वो कह रहे थे कि एक आदमी दिमाग से लोगों को मार रहा है। तब मैंने उनके बातों पर विश्वास नहीं किया। क्यों? दिमाग एक हजारों साल पुरानी आर्ट है। ये कला एक जनरेशन में से सिर्फ एक इंसान को सिखाया जाता है। बड़े से बड़े एक्सपर्ट भी इस कला को सीख नहीं पाते। आपको आती है? नहीं, और ना ही पूरे इंडिया में किसी को आता होगा। इतना आसान नहीं। जरूर किसी ने दिमाग के ट्रिक से कुणाल के बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी डाला होगा। वो चाइनीज मार्शल आर्ट्स, वो सर, वो क्या होता है वो? ची। ची? एक कुंग फू एक्सपर्ट। हवा में से यांग एनर्जी और जमीन में से यिन एनर्जी को दोनों को कंप्रेस करके और पूरे ताकत के साथ सामने वाले बॉडी पे शूट करता है, सीधे डेथ पॉइंट पे। सॉरी, मतलब ये सब एक चाइनीज फिल्म लगती है। ये सर, ये सर क्या हुआ? ये है ब्रूस ली मूव। अरे अरे, इनको जल्दी ठीक करो, ये क्या कर दिया तुमने? रिलैक्स, ये एक दो मिनट में रिलैक्स हो जाएंगे। अपने मुट्ठी बंद करो। मास्टर, मास्टर जी प्लीज इन्हें ठीक कर दीजिए, इन्हें बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज प्लीज जल्दी करिए। सॉरी सर, मैं तो सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था कि ये कितना खतरनाक है। अच्छा, ये दिमाग का इफेक्ट निकालते कैसे? फिर से नॉर्मल कैसे होता है? सही वक्त पे, सही पॉइंट पे दबा कर उसके बॉडी का सारा एक्स्ट्रा एनर्जी निकालना होगा, तो वो ठीक हो जाएगा, नहीं तो बचना मुश्किल है। पूर्वी, फिनिशर। सर, सर तीनों की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी है मैंने। सर सर ये देखिए, ये राजदीप और ये निमित, सर इन दोनों की मौत हो चुकी है। क्या? हाँ सर, ये देखिए इनके प्रोफाइल पे कंडोलेंस है। ये राजदीप सर, ये 20 दिन पहले मुंबई आया था और अचानक हार्ट स्टॉपेज हो जाने की वजह से इसकी डेथ हो गई,
और ये दूसरा निमित सर, सर ये 10 दिन पहले मुंबई आया था और इसकी मौत हो गई ब्रेन हैमरेज की वजह से। और उसके कुछ दिन बाद कुणाल जी पे हमला हुआ, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? सर शायद कुणाल जी समझ गए होंगे कि ये दोनों नेचुरल डेथ से नहीं दिमक से मरे। हाँ सर, शायद कुणाल जी को पता चल गया होगा कि राजदीप और निमित को किसने मारा है, इससे पहले कि वो किसी को बताते उनपे ही किसी ने अटैक कर दिया। और वो लड़का प्रणव, उसका क्या? सर वो आज शाम अब्रॉड से मुंबई आ रहा है। सर मतलब उसकी जान को भी खतरा है? सर इन्हें इन्हें मार कौन रहा है? सर 15 राउंड मार लिया सर, बहुत प्यास लग रही है सर। वहाँ छांव में बैठ जाओ सर, 5 मिनट सो जाओ। सोना नहीं सर, मैं थोड़ी देर रेस्ट। दे उड़ी वाला। यस सर। ये नहीं। नहीं सर, ये वो नहीं है। गौतम, तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें नहीं पहचानेंगे? कौन गौतम? छोड़ो मुझे, मेरा नाम तो शशि है। ए, बकवास बंद। तुम अगर गौतम नहीं तो फिर ये जैकेट तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो एक आदमी ने दिया मुझे, ठंडी लग रही थी। रेडी, पकड़ो से। प्रणव, प्रणव। Hey! Pankaj! Sir, Gautam. मर जाएगा, इसे ठीक करो। ठीक करो इसे। नहीं, क्या कर दिया तुमने इसके साथ, मर जाएगा ये। ठीक करो इसे। आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, मैं इसे ठीक कर दूंगा। बोलिए, कर सकते हो अब ईशान को ठीक? दे सकते हैं मेरे ईशान की जिंदगी उसे वापस? दे सकते हैं? देखो मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, इसको इसके किए की सजा मिलेगी, ईशान को इंसाफ मिलेगा, लेकिन इसको बचा लो तुम। अब इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, एक अच्छे इंसान की तरह सोचो, बचाओ इसे। सॉरी इसे भी, एक पाप बनकर मैंने अपने बेटे को इंसाफ दिलाया, अब एक आर्मी ऑफिसर बनकर मैं सच का भी साथ दूंगा। राजदीप, निमित और प्रणव, इन तीनों के मर्डर के लिए मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूं। गौतम बचाओ इसे, अपना पागलपन छोड़ दो। देखो गौतम, जिंदगी भर जेल में सड़ते बैठना पड़ेगा। ईशान के बिना जिंदगी बची कहां है? प्रणव, नहीं सर, ही इज नो मोर। क्या किया तुमने? बस जेल जाने से पहले एक आखिरी काम करना चाहता हूं।
गया कुणाल को। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।